एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने सोमवार को घर घर जाकर किए जाने वाले टीका एक्सप्रेस के 30 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गौरतलब है कि केयर इंडिया के सहयोग से 2 महीने तक चलने वाली टीका एक्सप्रेस प्रतिदिन सुदूर क्षेत्रों में जाकर लोगों को कोविड के टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध कराएगी। इसके जरिए प्रतिदिन प्रति वाहन 400 लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। इस संबंध में एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह गाड़ियों को रवाना करते हुए स्वास्थ्य टीम से अपील किया कि वह हर लाभार्थी के टीकाकरण में सहयोग करें। एडिशनल सीएमओ डॉक्टर नीरज कुमार पांडे ने बताया कि टीकाकरण एक्सप्रेस का संचालन कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए किया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए केयर इंडिया के स्टेट प्रोग्राम मैनेजर डॉक्टर संजय सुमन, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे तथा एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने कहा, जहां पर हमारे जो है जीएनएम बेटियां नहीं होती है तो रिस्पेक्टेड सर, हमारी जो जीएनएम है अपना जो सीट का टीका लगेगा मिलेगा वहाँ पर सर्विसेज जो आपको आप द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। प्रसन्नता की बात है अधिकारी जो है इस कार्यक्रम में आए हैं जो 3 स्थान आपको बोले गए हैं ना, वेरिफिकेशन एरिया, वेटिंग एरिया एंड वैक्सीनेशन एरिया, उसमें आप प्रयास करिए कि वहाँ पर भी कुछ आईसी यानी कुछ थे, पहले हम लोग छोटे थे कि छूटी काटेगी, तो वो आप जब मैसेजिंग देंगे तब जो कुछ चीज़ें बताई थी और वहाँ पर एक होता है वेटिंग एरिया 30 मिनट्स, वो आजकल थोड़ा भागम भाग कर प्रयास करें और वहाँ पर उपलब्ध होना चाहिए। कुमार सिंह जी, अपर जिलाधिकारी नगर महोदय, अपने व्यस्तम कार्यक्रम में समय निकाल करके आप महोदय गोरखपुर का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जो केयर इंडिया के अधिकारी हैं, प्रदेश स्तर के अधिकारी हैं, जो यहाँ कई दिनों से आकर के घर घर गाँव गाँव जा करके माइक्रो प्लान बढ़िया बने, इसके लिए जो हम अपने मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय गोरखपुर का दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, लोग मिलते नहीं हैं जिनको कोई हम वैक्सीनेट कर सकते। 16 जनवरी से शुरू हुआ यह युद्ध अब धीरे धीरे अपने अंतिम चरण में पहुंचता जा रहा है और आप लोगों को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देते हुए हम लोगों को अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है। आप इस जनपद के विभिन्न ब्लॉक के विभिन्न गांवों में जाएंगे, टोले में जाएंगे, मजरे में जाएंगे और ऐसे लोगों को वैक्सीनेट करेंगे जो किसी न किसी कारण से वंचित हैं, कारण चाहे उनकी बीमारी हो या हमारी बूथों से उनकी दूरी हो, लेकिन आप जो कार्य करेंगे वो बहुत महान होगा। ये जो परिस्थितियां पिछले 1.5-2 सालों से हम लोग देख रहे हैं, धरती पर ऐसा कोई भी नहीं है जिसने इस तरह की स्थिति का अनुभव किया हो। अभूतपूर्व परिस्थिति थी, उसका हम लोगों ने सामना किया और उसको रोकने में आप लोग हमारे मददगार हो रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि आज ये 30 टीकाकरण वाहन का उद्घाटन होने जा रहा है जो कि गांव में घर घर जाकर टीकाकरण करेंगे। पहले जब कोविड आया था तो आप सभी लोग वाकिफ हैं कि एक अनेक तरह की भ्रांतियां फैली थी कि कैसे इसका निदान होगा। फिर लोगों ने प्रश्न पूछे इसका टीका कब आएगा और देश ने एक नहीं 2 टीका लॉन्च किया दिसंबर महीने में और 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई, तब फिर ये प्रश्न होने लगा कि इतनी बड़ी जनसंख्या का टीकाकरण हम कब तक कर पाएंगे। और आज अभी अक्टूबर महीने में हम ये कह सकते हैं कि यह दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान ना केवल सफल है बल्कि बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहा है। और इसमें जो सरकार, हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो कमिटमेंट, जो दृढ़ इच्छा शक्ति थी वह तो साथ में थी ही, उसके साथ हमारे स्वास्थ्य कर्मियों की लगन और मेहनत इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रही और राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ साथ स्वास्थ्य कर्मियों की जो कर्तव्य निष्ठा थी उसके कारण हम आज ये कह सकते हैं यूपी पूरे देश में नंबर एक पर है टीकाकरण में और 10 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है और अभी हम लोग इसमें निरंतर कार्य में लगे हुए हैं। उसी के क्रम में आज ये 30 गाड़ियां रवाना होंगी जो कि गोरखपुर जनपद के सभी ब्लॉकों में
गांव-गांव जाकर ऐसे लोगों का टीकाकरण करेंगी जो किन्हीं कारणों से स्वास्थ्य केंद्रों पर या टीकाकरण के लिए जो कैंप लगाए गए थे वहां पर नहीं आ पाए, जो शारीरिक रूप से अक्षम है या जिनको पहुंच मार्ग में कोई समस्या है, ऐसे लोगों को भी हम टीकाकरण करेंगे। और जल्द से जल्द हम 100% टीकाकरण का जो लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, हमारी सरकार, केंद्र सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो प्रदेश सरकार 100% टीकाकरण का लक्ष्य लेकर चल रही है, उसको स्वास्थ्य विभाग और गोरखपुर का स्वास्थ्य विभाग, पूरे प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग और देश का स्वास्थ्य विभाग इसको अचीव करेगा, ये हमारा विश्वास है। और जल्द से जल्द हम अपने पूरे देश के नागरिकों को कोविड से सुरक्षित कर पाएंगे। और दूसरे लहर के बाद हमने अच्छा काम किया है और यह काम हमारा निरंतर जारी रहेगा। और इसके लिए आप सभी लोग यहाँ पे जितने लोग उपस्थित हैं, जो इस टीकाकरण अभियान से जुड़े हुए लोग हैं, वो सभी बधाई के पात्र हैं। मैं उन सभी लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जी, मैं डॉक्टर संजय सुमन, केयर इंडिया के स्ट्रेटजिक प्रोग्राम मैनेजर हूं। और आज गोरखपुर में 30 टीका एक्सप्रेस वाहनों का शुभारंभ हरी झंडी दिखाकर अपर जिलाधिकारी महोदय विपिन कुमार सिंह जी के द्वारा किया गया है। और ये जो 30 गाड़ियां हैं, हर एक गाड़ी में एक वैक्सीनेटर और एक वेरीफायर होंगे, जो कि चिन्हित जो ब्लॉक के अंदर में जो माइक्रो प्लान बनी हुई है, यानी गोरखपुर के जो 19 ब्लॉक हैं, सारे ब्लॉक में जाएंगे ये 30 गाड़ियाँ। और जो चिन्हित समुदाय हैं, जनसंख्या है, जो माइक्रो प्लान के तहत चिन्हित की गई है, वहाँ जाके टीकाकरण किया जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में बहुत लोग छूट गए होंगे, बाढ़ की वजह से टीका नहीं ले पाए होंगे, या कुछ लोग ऐसे दिव्यांग होंगे जो सेंटर तक या कैंप तक नहीं पहुँच पाए हैं। इसके अलावा भी जो भी लोग छूटे हैं आपके गोरखपुर के जनपद के वासी लोग, तो सभी को ये सेवा दी जाएगी। सरकार के साथ मिलकर इस लक्ष्य को पूरा करना है। एक गाड़ी करीबन जो है आपको 300 का लक्ष्य रोजाना रखा गया है, उससे ज़्यादा भी हो तो हम सरकार के साथ खड़े हैं। और शुरुआत में 2 महीने तक हम ये सपोर्ट करेंगे, लेकिन जैसी ज़रूरत होगी इस सेवा को और आगे भी दी जाएगी। सर, मॉनिटरिंग भी किया जाएगा? बिल्कुल, जब साप्ताहिक माइक्रो प्लान बनी हुई है तो ये डेली मॉनिटरिंग होती है कि आज हम कितने लोगों को टीका पहुँचाएँ, नहीं पहुँचाएँ। इसकी एक ग्रुप बनी हुई है जिसमें सारे अधिकारी जुड़े हुए हैं, केयर इंडिया के लोग जुड़े हुए हैं, तो माइक्रो मॉनिटरिंग बिल्कुल की जा रही है, उसका इवैल्यूएशन भी किया जाएगा, कहाँ ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए साप्ताहिक प्लान बनाया गया है। टीका एक्सप्रेस का शुभारम्भ हुआ है। एक हमारी केयर इंडिया करके संस्था है जो हमारा सहयोग कर रही है, और उसकी गाड़ियाँ हैं जो हमारे सभी ब्लॉक में एक एक गाड़ियाँ वो दे रहे हैं, चलेगी, जो गांव-गांव जाकर के टीका लगाएगी। जिससे कि अब देखा जा रहा है कि गांव में ज़्यादातर लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं, कुछ लोग बचे हुए हैं, तो उनको बचने के लिए, उनको पूरा करने के लिए हम टीम भेजे, 10-20 लोग ही बचे हैं, तो हमारी टीम का समय ज़्यादा वेस्ट होता है। तो टीका एक्सप्रेस उस गांव में जाएगी और 10-20 लोग, 50 लोग जो भी बचे रहेंगे उनका टीका करके फिर दूसरे गाँव की तरफ चली जाएगी। सर, कितनी गाड़ियाँ हैं? अभी तो 20 गाड़ी देने के लिए कहा गया है, उन्होंने कहा है, तो अब देखते हैं कि कितनी गाड़ी देते हैं। अभी हर ब्लॉकों के साथ? हाँ, हर ब्लॉकों को लेकर के। सर, जो टीम जाएगी उन लोगों को मॉनिटरिंग भी किया जाएगा? टीम जो है उनकी स्टाफ उनके हैं और वेरीफायर हमारे हैं, और माइक्रो प्लान जो हमारा MOIC निर्धारित करेगा कि कहाँ कहाँ ले जाना है। लॉजिस्टिक हम सप्लाई करेंगे, वैक्सीन और सिरिंज हम सप्लाई करेंगे, उसको लेकर के ये लोग जाएंगे और वैक्सीनेट कराएंगे। ये गोरखपुर जनपद में कुल 30 कोविड टीकाकरण वाहन आज लॉन्च किए गए हैं, जो कि गाँव में जाकर प्रत्येक गांव में इनका शेड्यूल बना हुआ है, उस शेड्यूल के अनुसार जाकर जो लोग टीकाकरण से छूटे हुए हैं या जो
किसी रूप से शारीरिक रूप से या किसी अन्य कारणों से कोविड टीकाकरण सेंटर तक आने में अक्षम है उनका टीकाकरण करेगी। प्रतिदिन प्रत्येक गाड़ी का 300 टीका लगाने का लक्ष्य है। इस तरीके से हम प्रयास करेंगे कि गोरखपुर जनपद में जो भी लोग अभी टीकाकरण अभियान से कोविड के टीकाकरण अभियान से बचे हुए हैं उन सभी का टीकाकरण हो और इस पूरे ज़िले को हम कोविड के टीकाकरण के 100% लक्ष्य को प्राप्त करें जी। इसकी पर डे का शेड्यूल बना हुआ है गाड़ियों का और पर डे की इसकी मॉनिटरिंग होगी कि कितना टीकाकरण हो रहा है, गाड़ियां किस गांव में जा रही हैं वो पहले से इनका शेड्यूल निर्धारित है और इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है। अभी फिलहाल 2 महीने का लक्ष्य है हमारा, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि जब तक हम अपने पूरे लक्ष्य को प्राप्त न कर लें तब तक ये गाड़ियाँ चलती रहें। जो लोग सेकेंड डोज नहीं लगवा रहे हैं उनसे अनुरोध है कि अगर कोविड से पूरा 100% हम सुरक्षित होना चाहते हैं तो जो सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन है और MHA द्वारा निर्धारित गाइडलाइन है उसका अनुपालन करते हुए समय से सेकेंड डोज भी लगवाएं, क्योंकि जब तक दूसरी डोज नहीं लगेगी हम पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हैं। तो दूसरी डोज लगाना आपके स्वयं के स्वास्थ्य के हित में है, परिवार के और समाज के स्वास्थ्य के हित में है।